सेवन है आपका टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 इज कल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कोस इनवर्स 3 अपॉन 5, ये आपको प्रूव करना है। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करोगे आप इसमें एल एच आर एच एस लोगे, आर एच एस से इसको शुरू करोगे, तो आर एच एस आपका है साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कोस इनवर्स 3 अपॉन 5। यहाँ से आप क्या करोगे, इस साइन को और कोस को चेंज करोगे किस में, टेन में, क्योंकि हमें आंसर चाहिए टेन में। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, ये 5 हो गया, ये 13, इसको सोल्व करेंगे, ए सी आपका हो जाएगा यहाँ से 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 माइनस 25, ये हो जाएगा 144, आपका 12 आ जाएगा। अब ये आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 12, टेन इनवर्स इजिकल टेन इजिकल टू क्या होता है, तो यहाँ से टेन इनवर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, तो आपका हो जाएगा 5/12 प्लस ऐसे आप कोस इनवर्स को चेंज करोगे, कोस इनवर्स को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका कोस में क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपरटीनियस आधार बटे कर्ण, तो 3/5 यहाँ लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा बी सी इजकल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 माइनस 9 16 का कितना होता है 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। यहाँ पर टेन इनवर्स इजकल टू हो जाएगा 4/3। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे टेन इनवर्स ए प्लस बी का, क्या होता है टेन इनवर्स 5/12 ए प्लस बी 4/3 अपॉन 1 माइनस ए बी 5/12 इंटू 4/3, ये होगा आपका टेन इनवर्स 5/12 और 12 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आएगा यहाँ पर, तो 5 प्लस 3 4 जा 12 4 4 जा 16 अपॉन 12 की और 3 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 36, तो 36 की 1 से मल्टीप्लाई 36 माइनस 20 अपॉन 36, यहाँ से आपका हो जाएगा ये टेन इनवर्स 21 इंटू 36 अपॉन 36 में 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 16 इंटू 12 12 थी जा 36, यहाँ से आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 इजकल टू आर एच एस, जो आपको प्रूव करना था। आइए दोस्तों उसको एक बार फिर से समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 इजकल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, आपको क्या करना है यहाँ पर इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आर एच एस लोगे, आर एच एस आपकी साइन इनवर्स 5/13 कोस इनवर्स 3/5, इसको आप चेंज करोगे टेन में। वैसे तो आपका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है एक्स अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप ये फॉर्मूला भी लगाओगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना है तो आपको याद होना चाहिए साइन इजकल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटीनियस लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से आपने लगा निकाला इसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप निकाल लोगे इसका आधार और उसके अकॉर्डिंग आप टेन इनवर्स की वैल्यू में चेंज कर लोगे और यहाँ से कोस इनवर्स को भी टेन इनवर्स में चेंज कर लोगे। दोनों वैल्यू चेंज करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, जो कि आपका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई को सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 63 अपॉन 16 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आपका दिया गया है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इजिकल टू, आपको प्रूव करना है पाई बाई 4। आइए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसको दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे और आपको फॉर्मूला पता ही है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब इसको लगाएंगे इसमें टेन इनवर्स 1/5 में, तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन वन माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस, सिमिलरली ये फॉर्मूला इनमें भी लगेगा ऐसे ही,
तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम टेन इनवर्स 35 एलसीएम आएगा 5 का और 7 का, तो ये आपका हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 7 5 जो 35, 35 की क्रॉस मल्टीप्लाई 35 माइनस 1 प्लस 10 इनवर्स 8 का और 3 का एलसीएम आपका आएगा 24, तो 8 प्लस 3 और यहाँ पर नीचे 8 3 24, तो 24 की 1 से करेंगे 24 माइनस 1 अपॉन 24, 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा आपका टेन इनवर्स 12 अपॉन 35 में से 1 गया 34 प्लस 10 इनवर्स 8 और 3 11 अपॉन 23। अब यहाँ पर फिर से ये जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 से कैंसिल, 2 6 12, 2 7 34, ये आपका हो गया 10 इनवर्स 6 अपॉन 17 प्लस 10 इनवर्स 11 अपॉन 23। यहाँ से फिर 10 इनवर्स x+y का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही वाला फॉर्मूला 10x+y वाला। अब x की जगह पर है 6 अपॉन 17 इंटू प्लस 11 अपॉन 23 अपॉन 1 माइनस 6 अपॉन 17 इंटू 11 अपॉन 23 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 23 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 6 12 13 1 38, 11 की 77 से करेंगे तो 11 7 77, 11 1 11 और 7 187 अपॉन 17 51, 17 2 34 और 5 39 अपॉन 391 -66 अपॉन 391। इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 391 आएगा, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और 11 6 66, इससे कैंसिल हो गया, आपका बचा 10 इनवर्स, ऐड करेंगे ये आपको हो जाएगा 8 और 7 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2 3 325, यहाँ से माइनस करेंगे 11 में 6 गए 5, 8 में 6 गए 2 और 325 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 10 इनवर्स 1, जो कि वैल्यू होती है आपकी 10 इनवर्स 10π/4 की, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हुआ, आपका आंसर आया π/4, यही आपको प्रूव करना था। आपका 10 इनवर्स √x इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1/2 cos इनवर्स 1 - x 1 + x। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, LHS ले लेते हैं यहाँ पर, LHS है आपका 10 इनवर्स √x। अब आप क्या करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 2 tan inverse √x। आपका फॉर्मूला होता है 2 tan inverse x इजकल टू कोस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 कोस इनवर्स, एक्स के प्लेस पर यहाँ पर क्या है आपका √x है, तो कोस इनवर्स 1 - √x² / 1 + √x² ये आपका हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स 1 - x / 1 + x, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपका RHS होगा।